गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आपके पास फिर से आई हूँ एक आउटफिट लेके। मेरे घर में है घर भोज की पूजा, मतलब हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, सो उसकी पूजा है, तो उसके लिए सबको येलो ड्रेस पहननी है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ ये वाले ड्रेस, कुछ कुछ सिमिलर ऐसा मुझे, मतलब मुझे बनवाना था। तो मुझे बनवानी है एक फ्रॉक सूट, ठीक है, जो हम बाजू पे रखेंगे वो चूड़ी वाली बाजू, ठीक है। और जो मेरा जो सूट है वो फैब्रिक हम जॉर्जेट कपड़े में बनवाएंगे। वो क्वालिटी नहीं होती है, थोड़ी बहुत लाइट का पड़ गया तो वो अलग हो जाता है, फिल्टर लग गया वो चीज अलग हो जाता है। इसको रिजेक्ट, इसको फाइट करते हैं। हाँ। इसको नहीं आ सकता। जहाँ भी जाती है सबों की जगह हड़प लेती है, जैसे फिलहाल हड़प चुकी है, वो बेचारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रही है। 7 मीटर लेते हैं, 2 मीटर तलवार, अच्छा लगेगा ना? यानी बहुत बहुत ओके। तो दोस्तों हमने ना कपड़ा ले लिया था अपना जॉर्जेट का, फिर उसके बाद ना हम नीचे वाले फ्लोर पे गए और जाके वहाँ पे ना चुन्नी का कलेक्शन था। ये वाली दोस्तों, मैं मार्केट जाके अपना कपड़ा जो है फैब्रिक वो लेकर आ चुकी हूँ। तो जो मेरा फैब्रिक कपड़ा है वो मुझे जॉर्जेट का लेना था, सो मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया है 8 मीटर, क्योंकि 5 मीटर में मैं फुल जितनी भी घेर आ सकती है ना वो हम अपनी फ्रॉक में देंगे, ठीक है। 8 मीटर वो हम फ्रॉक में घेर के लिए लेकर आए हैं, तो 5 मीटर ऊपर और 2 मीटर नीचे प्लाजो के लिए। सो उसके बाद जो चुन्नी थी, चुन्नी मैंने सोचा मैं उसका ही बनवाऊंगी, अगर तो मुझे 2 मीटर चुन्नी चाहिए, फिर मेरे को लेस लगाना है तो उतना ही पैसा पड़ेगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे को ना थोड़ा रेडीमेड ट्राई करती हूँ, प्रिंटेड कुछ कलरफुल, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है वो लाइट येलो ली है मैंने, लाइट येलो फैब्रिक लिया है। सो उसके लिए मैंने चुन्नी ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जो फैब्रिक लेकर आई हूँ येल्लो, वो है ये, ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, वहाँ पे लाइट लग रहा है। ये मुझे पड़ा 79 रुपीज मीटर जॉर्जेट, ठीक है। क्या मैं ना वैसे प्रेफर करती हूँ हमेशा कि छोटे मोटे मार्केट से ही कपड़ा खरीदूँ जो मुझे मिल सकता है सस्ते में, बट दिन मेरे पास बहुत कम है और ड्रेस सिलने के लिए भी देनी है, तो मुझे ना पास में ही एक, मतलब गोविंदपुरी मार्केट है हमारे यहाँ, वहाँ पे जाके लेना पड़ा ये आहूजा गारमेंट से, सो मुझे थोड़ा महंगा ही पड़ा ये। चुन्नी मैंने रेडीमेड ली जो कि मुझे बहुत 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 प्यारी लगी है। ये प्यारी सी चुन्नी, इतना प्यारा वर्क है ना इस पे, इसमें ग्लास का काम है, शीशे का काम हो रखा है। तो ये मेरे कभी सिंपल लहंगे और कोई सिंपल सूट और हर कलर पे चल जाएगा, ये सोच के मैंने मतलब ये चुन्नी ली। ये चुन्नी मैंने यही सोच के ली कि ना थोड़ा गुजराती लुक और वैसा ना थोड़ा प्यारा प्यारा सा लग रहा था, मैंने सोचा ये मेरे बहुत सारे आउटफिट पे चल सकता है, आगे भी मुझे काम आएगा, मतलब वेस्ट नहीं होने वाला है। सो इसके ऊपर ये जा रहा था तो मैंने ये लिया है इसके ऊपर चुन्नी। अब जो मैं आउटफिट बनवाने वाली हूँ ना, बस अच्छा सा बन जाए, मैंने सोचा है जो हमारा आउटफिट होगा ना ये, हम क्या करेंगे, जो फ्रॉक सूट होगी, फ्रॉक सूट की जो नीचे पाइपिंग बोलते हैं ना, जैसे लेस होती है वैसे पतली पतली पाइपिंग होती है ना, वो मैं इस कलर की करवा लूँ, ठीक है, इस कलर की करवाऊंगी। तो चलते हैं टेलर भैया के पास, आपको नीचे पाइपिंग लगानी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा पाइपिंग लगाने के बाद मुझे बात बताओ, पाइपिंग ऐसे पतली पतली लगेगी? तो फिर उसके बाद मैं गई थी टेलर भैया के पास, मैंने उनका एक्सप्लेन किया कि मुझे ना ऐसे ही ड्रेस बनवानी है जैसा मैं स्केच में बना के दिखा रही हूँ, बट उन्होंने बोला कि ये वाला गला इस पे नहीं बनेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। फिर भैया को हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे मुझे अपने सूट में पाइपिंग लगवानी है। उसके बाद ना अस्तर लेना भूल गए थे, दोबारा मैं शॉप पर गई, अस्तर लिया मैंने। अस्तर लेने के बाद हम दोबारा टेलर भैया के पास आए और अपना नाप वाप दिया, और वहाँ जाके पता चला कि हम आगे चल के भंडारा मिल रहा था, मैं और मेरी बहन भंडारे की लाइन में लग गए, क्योंकि प्रसाद का टेस्ट जो होता है ना कभी भी ट्राई करना, घर पे कभी बनी ही नहीं सकता। हमने खाया वहाँ पे भंडारा, और भंडारा खाने के बाद हम निकल लिए अपने घर की तरफ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने सूट का फाइनल लुक, आप बताना मेरे को कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी।